नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की, और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, ब्रिटेन में लगा फिर से लॉकडाउन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बर्फबारी के चलते 2 दिन के लिए बंद की गई अटल टनल, चांदनी चौक इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने के मामले ने पकड़ा तुल, कजाकिस्तान भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदने की कर रहा है तैयारी, बिग बॉस 14 में एंट्री ले सकते हैं राखी सावंत के रहस्यमयी पति रितेश, इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबाना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बुलाई आपात बैठक, देश में नए लॉकडाउन का किया ऐलान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिया बड़ा बयान, कहा चीन और यूरोपीय सहयोगियों के साथ समाप्त करेंगे व्यापारिक तनाव। कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से की मांग, बोले तीनों कृषि बिलों को वापस ले, किसानों की सहमति से किसान हित में तैयार करें नया मसौदा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा दिल्ली निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय राजधानी बनने की ओर बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते 2 दिनों के लिए बंद किए गए अटल टनल, साथ ही प्रदेश की 164 सड़कों को भी पूरी तरह से किया गया बंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कर गिनाए फायदे, कहा यह वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले, 20 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या हुई 58। कजाकिस्तान भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदने की कर रहा है तैयारी, भारत में कजाकिस्तान के राजदूत येरलान अलीमबेव ने की है इस बात की पुष्टि, आपको बता दें कि कई देशों ने भारत से टीका खरीदने की रुचि दिखाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को 28वें जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर दी थी शुभकामनाएं। इंदौर के डेली कॉलेज में एक कौवे में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, जानकारी के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन ने भी जारी किया अलर्ट, सभी पक्षियों के एनक्लोजर में दवाइयों का किया जा रहा है छिड़काव। जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर से विधायक गोपाल मंडल ने दिया विवादित बयान, बोले सांसद विधायक बनने के लिए दबंगई और बाहुबली होना जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने के मामले ने तुल पकड़ा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान की जमकर नारेबाजी। किसान आंदोलन के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले किसानों के परिवार को हरियाणा कांग्रेस देगी 2-2 लाख रुपए मुआवजा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की ओर से यह राशि देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर की चर्चा, सीएम ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए 1 साल के अंदर ही उठाने होंगे बड़े कदम। दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में शुमार गूगल में भी कर्मचारियों ने बना लिया यूनियन, सदस्यों के उचित वेतनमान पर काम करना है यूनियन का उद्देश्य। चीन में फिर बढ़ने लगा कोरोना के मामले, राजधानी बीजिंग के पास हुबेई प्रांत से सामने आए 14 नए पॉजिटिव मरीज। दिग्गज स्पिनर शेन वार्न ने कहा ट्रेविस हेड हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर कप्तान, लेकिन जब तक वह तकनीक की कमी पर काम नहीं करते तब तक उन्हें छोड़ देनी चाहिए टीम। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत को लेकर सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी सेट्टी ने दी बड़ी खुशखबरी, कहा गांगुली का दिल अब भी वैसा ही है जैसा 20 साल की उम्र में था।
कांग्रेसी नेता शशि थरूर के घरेलू औरतों को सैलरी देने वाले बयान पर भड़की एक्ट्रेस कंगना रनौत, कहा हर चीज में बिजनेस देखना बंद करें। बिग बॉस 14 में एंट्री ले सकते हैं राखी सावंत के रहस्यमयी पति रितेश, शो के एक नए प्रोमो के जरिए लगाया जा रहा है अंदाजा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।